Hello students, I'm your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read chapter number 8, Jalebis. Before reading this chapter, I want to introduce this chapter. Ye jo chapter hai Jalebis, it revolves around an honest school going boy. Ye jo puri story hai, ye jo pura chapter hai Jalebis, ye ek honest school going boy ke charo taraf revolve kar raha hai. Theek hai? A school going boy is on his way to school carrying money in his pocket. एक जो school going boy है वो अपने school के रास्ते में है और उसने अपनी pocket में school fees pay करने के लिए कुछ पैसे ले रखे हैं. But the sight of crispy, syrupy jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. लेकिन जैसे वो क्रिस्पी और सिरपी जलेबीज को देखता है मार्केट में तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है. ठीक है, और उसकी पॉकेट के जो क्वाइंस हैं, जो पैसे हैं, वो भी जिंगल करना स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी जलेबीज. इट हैपेंड मैनी ईयर्स एगो. आई वॉज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कंबेलपुर, नाउ कॉल्ड अटक. बहुत साल पहले की बात है और नैरेटर कह रहा है कि ही वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड. जो नैरेटर है स्टोरी का वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में है एट द गवर्नमेंट स्कूल कंबेलपुर, जिसको हम आज अटक के नाम से जानते हैं. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड. अब वो नैरेटर बता रहा है कि एक दिन वो स्कूल में 4 रुपीज ले करके अपने पॉकेट में जा रहा था. ही wants टू पे द स्कूल फीस. और वो पैसे किस लिए लेके जा रहा था? स्कूल फीस पे करने के लिए. When I got there, I found that the teacher who collected the fees, Master Ghulam Mehmed, was on leave and so the fees would be collected the next day. अब जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है तो वो कह रहा है कि मुझे पता चलता है कि जो टीचर, द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, ठीक है, जो टीचर फी कलेक्ट करने वाला था, मास्टर गुलाम मोहम्मद, ही वॉज ऑन लीव. वो टीचर लीव पर है एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे. और इस वजह से जो फीस है वो अगले दिन कलेक्ट होगी. ऑल थ्रू द डे द क्वाइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट बट वन स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगेन टू स्पीक. अब कहता है कि पूरे दिन जब मैं स्कूल में था तो पूरा दिन वो कॉइन्स जो थे मेरी पॉकेट में चुपचाप बैठे हुए थे. ठीक है, लेकिन व्हेन आई वाज आउटसाइड, जैसे ही मैं बाहर निकला, दे बिगेन टू स्पीक, उन कॉइन्स ने बोलना स्टार्ट किया. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, दे जिंगल और गो खनक खनक. हमें पता है कि कॉइन्स जो हैं वो कभी बोलते नहीं हैं, वो या तो जिंगल करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं एंड जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है? खन खन की. ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक. लेकिन वो नैरेटर हमें बता रहा है कि उस दिन वो क्वाइंस बोले. द वन क्वाइंस सेड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. पहला क्वाइन जो है वो ये कह रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो. Those fresh hot jalebis coming out of Khadao in the shop over there. They are not coming out for nothing. अब पहला क्वाइन जो है वो बोल रहा है कि जो ये fresh और hot jalebis जो कढ़ाओ में से निकल रही है, कढ़ाओ means कढ़ाई को कह रहे हैं, जो बड़ा सा instrument होता है हलवाई के पास, ठीक है, उसको हम कहते हैं कढ़ाओ, जिसमें आपने देखा होगा हलवाई अपनी रेसिपीज बनाते हैं. तो उसको वो कह रहा है कि ये जो फ्रेश हॉट जलेबीज जो कढ़ाओं में से निकल रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. वो जो है वो किसी और चीज़ के लिए नहीं निकल रही हैं, बल्कि जलेबीज आर मैन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी. वो कह रहा है कि जलेबी जो होती है वो खाने के लिए होती है एंड ओनली दोज With money is man to be spent and only they spent it who like jalebis. और money जो है वो खर्च करने के लिए होती है और वही लोग
स्पेंड कर सकते हैं मनी को जिन्हें जलेबी पसंद है. ठीक है, लुक हेयर यू 4 rupees. आई सेड टू देम आई एम ए गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू. अब वो कह रहा है कि देखो यू 4 rupees, वो अपने पैसों से कह रहा है कि यू 4 rupees. आई सेड टू देम, मैं तुम्हें बता देता हूँ, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, एंड डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू. वो कह रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी मिसगाइड मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सीन. मुझे घर पे इतना कुछ मिल जाता है दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सीन. ठीक है, मुझे घर में इतनी सारी खाने की चीज़ें मिल जाती हैं कि बाजार में किसी सीन को देखकर मैं कुछ भी गलत काम नहीं करना चाहता. बिसाइड यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और इसके अलावा तुम जो हो वो मेरी स्कूल फीस हो और मेरी फंड मनी हो. इफ आई स्पेंड यू टूडे देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद. अगर मैं आज तुम्हें स्पेंड कर दूंगा, आज तुम्हें खर्च कर दूंगा, तो मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को अगले दिन स्कूल में क्या कहूँगा. एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट कयामत. और फिर आपको पता है कि वहाँ पे सर को अगर ये बात पता चली तो पूरी तरह से कयामत आ जाएगी. यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स. तुम्हें नहीं पता कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो पनिश करके तुम्हें बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं, देन ही सिंपली फॉरगेट्स, और वो तुम्हें बिठाना भूल जाते हैं जब तक कि लास्ट बेल ना बज जाए. सो इट्स बेस्ट यू टू स्टॉप च्यूइंग इट एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट. तो वो कह रहा है कि इस तरीके से मेरे कानों को खाना बंद करो और मुझे मेरे घर जाने दो. द क्वाइंस डिसलाइक वट आई वुड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम. लेकिन ये बात जो क्वाइंस थे उन्हें पसंद नहीं आई और उन सब ने इकट्ठे होकर एक साथ बोलना शुरू किया. देयर वॉज सच ए क्लैमर दैट पासर्स बाय इन द बाजार स्टेयर्ड आईज वाइड विथ सरप्राइज. अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लैमर थी, क्लैमर मीन्स लाउड नॉइस. ठीक है, वहाँ पे इतनी सारी नॉइस हो गई थी उन सारे क्वाइंस की कि जो भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, पासर्स बाय मतलब जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे बाजार से, वो घूर घूर के मेरी तरफ देख रहे थे और मेरी पॉकेट में झांक रहे थे. द क्वाइन ऑफ दोज डेज द रैच थिंग मेड सो मच मोर नॉइस टू. उस टाइम के जो क्वाइन थे उन सब ने मिल के बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया. फाइनली इन ए पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल 4 ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट. वो कहते हैं कि फाइनली मैंने परेशान होके क्या किया, उन सबको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया. टाइट इन माई फिस्ट मीन्स मुट्ठी. एंड देन देवर साइलेंट. तो जैसे ही मैंने उन्हें मुट्ठी में बंद कर लिया तो वो चुप हो गए. ओल्डेस्ट क्वाइन सेड हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रगल अस इंस्टेड. अब उनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट क्वाइन था उसने बोलना स्टार्ट किया. वो कह रहा है कि एक तो हम तुम्हें अच्छी कमांड दे रहे हैं, एक तो हम तुम्हें अच्छी एडवाइस दे रहे हैं तुम्हारे भले के लिए, बट यू ट्राई टू स्ट्रगल अस इंस्टेड, लेकिन तुम हो कि तुम हमें ही चुप कराने में लगे हुए हो. टेल मी ऑनेस्टली नाउ डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज. अब तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ, ईमानदारी से ये बात बताओ कि क्या तुम्हें वो गरम गरम जलेबीज खाने का मन नहीं कर रहा. एंड देन इफ यू डू एंड अस स्पेंडिंग अस फॉर टुडे वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमोरो. फिर वो कहता है कि अगर तुम आज मुझे स्पेंड कर दोगे या हमें स्पेंड कर दोगे
तो क्या तुम्हें कल अपनी स्कॉलरशिप मनी नहीं मिल जाएगी? स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद स्कॉलरशिप मनी, एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा खत्म, पैसा हजम। अब यहाँ पे पोएट कह रहा है कि स्वीट्स खरीदो फीस मनी से और फीस भर दो स्कॉलरशिप मनी से, एंड ऑफ द स्टोरी, किस्सा खत्म, पैसा हजम। व्हाट यू आर सेइंग इजंट राइट, आई रिप्लाइड, बट इट इज नॉट दैट रॉन्ग आइदर। वो कहते हैं कि क्या तुम सही कह रहे हो, बट इट इज नॉट दैट रॉन्ग आइदर। वो कह रहा है अगर तुम सही नहीं कह रहे तो तुम इतना गलत भी नहीं कह रहे, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो ए चाइल्ड, और बच्चे का दिमाग उतना ही होता है, ठीक है। वो भी एक्साइटेड था जलेबीज खाने के लिए, तो इसलिए उसने सोचा कि अगर तुम सही नहीं कह रहे तो तुम इतना गलत भी नहीं कह रहे। लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। वो कहता है अब मेरे कन्फ्यूज करना बंद करो, ठीक है। ब्लैबरिंग मीन्स कन्फ्यूज, तो कहते हैं स्टॉप ब्लैबरिंग, तुम मुझे कन्फ्यूज करना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर। वो कहता है कि मैं कोई कॉमन बच्चा नहीं हूँ, बल्कि ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज ऑनेस्ट। तो वो कह रहा है कि आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, फिर वो सोचता है कि बट दीज जलेबीज आर ऑल्सो नॉट कॉमन, ये जलेबीज भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। देवर सो क्रिस्पी, देवर सो फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिप, माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉज नॉट अबाउट टू स्वेप्ट अवे सो ईजीली। अब वो कह रहा है कि मेरे मुँह में पानी आ गया ये बात सोच के, बट लेकिन मैंने इतनी जल्दी से इतनी ईजीली हार नहीं मारी, मैं उनकी बातों से फिसलने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज एमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज अ मंथ। वो कहता है कि अपने स्कूल में मैं जो हूँ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक हूँ, और इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम, फोर्थ स्टैंडर्ड एग्जाम्स में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी 4 रुपीज ए मंथ, आई वॉन द स्कॉलरशिप, ठीक है। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, सो आई इंजॉयड कंसिडरेबली प्रेस्टीज, आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार। अब वो कहता है कि स्कूल में भी मेरी बहुत रेपुटेशन है, आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, और मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, और वैसे भी अगर देखा जाए मेरा फैमिली बैकग्राउंड, तो आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, मैं बहुत अच्छी फैमिली से आता हूँ, बहुत रेपुटेड फैमिली से आता हूँ, सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो इसीलिए मेरी कुछ प्रेस्टीज मार्केट में है। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मैंने आज तक कभी भी मार नहीं खाई। ऑन द कॉन्ट्ररी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज, फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज। अब वो कहता है कि मास्टर जी मुझे ये परमिशन देते हैं कि मैं बाकी लड़कों को पनिश करूँ, उन्हें बीट करूँ, और ऐसे स्टेटस के लड़के के लिए बीच बाजार में जलेबी खाना, इट वॉज नॉट राइट। वो सोचता है कि ये बात सही नहीं है। आई डिसाइडेड आई क्लैंच द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम। अब वो कहता है कि मैंने उन रुपयों को अपने हाथ में दबाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया और मैं घर आ गया। देयर अटेम्प्ट्स एट पर्सुएशन टिल देयर वॉइस बिगेन टू चॉक, व्हेन आई रीच्ड होम एंड सेट ऑन द बेड दे बिगेन टू स्पीक। अब थोड़ी देर के लिए तो उनकी जो आवाज़ थी वो बंद थी, लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुंचा और जाकर बैठा, दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, दे बिगेन टू श्रीक। वो कहता है कि मैंने जैसे ही अपना लंच ख़त्म किया, जैसे ही मैं अंदर गया लंच करने, तो उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया, ठीक है। थोरोली फेड अप आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट एंड रैन टुवार्ड्स द बाजार। अब मैं पूरी तरह से उनकी बातों से फेड अप हो चुका था, परेशान हो चुका था,
और इसलिए मैं नंगे पैर घर से बाहर निकला एंड रैन टुवार्ड्स द बाजार, और मैं बाजार की तरफ भाग लिया। टेरिफाइड आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वेट ए होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबी। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से हलवाई को कहा कि 1 रुपये की जलेबी तोल दो। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. अब उसने मेरी तरफ अचंभे के साथ देखा, astonished मतलब आश्चर्य से देखा, कि क्या मेरे पास कोई सामान है हैंडक्राफ्ट जिसमें मैं वो सारी जलेबी कैरी कर सकूं। हैंडक्राफ्ट मींस ऐसा कोई ऐसी कोई थिंग जिसमें वो सारी जलेबीज कैरी कर सकूं, ठीक है। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, 1 रुपी फेच्ड मोर देन 20 रुपीज डज नाउअडेज। उस समय के 1 रुपीज जो थे वो आज के 20 रुपये के बराबर हैं। द हलवाई ओपन्ड अप ए होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज। हलवाई ने एक बड़ा सा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर लिया और उसमें वो सारी जलेबीज पैक कर दी। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। अ हीप ऑफ जलेबी ही ईट्स एंड शेयर्स देम लिबरली विद वन एंड ऑल। उसने बहुत सारी जलेबीज खा ली और काफ़ी सारी जब बच गई तो उसने लोगों वहाँ के बच्चों में बांट दी। दो पैनी लेस नाउ ही फील्स नो लेस इम्पॉर्टेंट देन ए मॉब लीडर। अब जब वो उन बच्चों को जलेबी बांट रहा था तो वो बिल्कुल कैसा फील कर रहा था कि वो किसी भी नेता से कम नहीं है। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। लेकिन अब जब दूसरी रियल प्रॉब्लम क्या आई कि स्कूल फीस को पे करना, ठीक है। स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted our Tonga. Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebis to my chest and ran into a gully. अब कहता है कि जैसे ही मैं वो सारी जलेबी लेके बाहर आया, ठीक है, तो वो क्या देखता है, दूर से उसे दिखाई देता है कि उसके चाचा जान was returning from court. उसके जो चाचा जान थे वो कोर्ट से वापस आ रहे हैं। आई क्लच द जलेबी, उसने फटाफट से वो सारी जो जलेबीज थी वो अपने चेस्ट से लगाई और भाग गया। कहाँ पे? रैन इन टू ए गली। वेन आई रीच्ड ए सेफ कॉर्नर आई बिगेन टू डिवोर द जलेबीज। और जब मैं वहाँ एक सेफ कॉर्नर पे पहुँच गया तो मैंने फटाफट वो जलेबी खाना शुरू किया, ठीक है। डिवोर मतलब बहुत स्पीड में, ठीक है। I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostril. मैंने इतनी सारी jalebis खा ली कि अगर कोई मेरे stomach को जरा सा भी press करेगा तो मेरी जो सारी की सारी jalebis हैं वो कहाँ से निकलेंगी? Popped out from my ears and nostril. इतनी सारी jalebis उसने खा ली थी। Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. अब बहुत quickly क्या हुआ? बहुत सारे boys उसके जो neighborhood थे वहाँ पे assemble हो गए गली में। उसके आस पड़ोस के जितने भी लड़के थे वो सब गली में assemble हो गए। By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis, ठीक है। और उस टाइम में मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मेरा स्टमक जो है वो जलेबी से फुल हो गया। और फिर मैंने एक मूड बनाया कि बाकी सारी जो जलेबी बची हुई हैं वो इन सारे बच्चों में मैं बांट दूँ। Delighted, they ran off jumping and screaming into the gullies. और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जलेबी बांट रहा है तो सारे इधर उधर से जंप करते हुए भागते हुए गलियों में से बाहर आए।
सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं अपीयर हो गए, ठीक है। प्रोबेबली हैविंग हर्ड द न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, आई डैश टू द हलवाई एंड बोट वन मोर रुपी वर्थ ऑफ जलेबी। और जैसे जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड हुई कि एक लड़का जो है जलेबी बांट रहा है, तो आसपास के भी बहुत सारे बच्चे वहाँ से भागकर आने लगे। और उसने देखा कि जब इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो भी भागा भागा हलवाई के पास गया एंड बॉट वन मोर रुपी वर्थ ऑफ जलेबी, और उसने एक और रुपए की जलेबी खरीद ली, ठीक है। केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेज, लिबरली डिस्ट्रीब्यूटेड जलेबीज टू द चिल्ड्रन, जस्ट लाइक द गवर्नर साहब यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन द इंडिपेंडेंस डे। अब कह रहा है कि मैं जल्दी से वापस आया और एक घर के चबूतरे पर खड़ा होके मैं उन बच्चों में जलेबी बांटने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि गवर्नर साहब इंडिपेंडेंस डे पे पुअर और नीडी पर्सन्स को, गरीबों को राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वो भी अपने आप को गवर्नर साहब से कम नहीं समझ रहा था। By now there was a huge mob of children around me, और वो कह रहा है कि अब इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। The beggars to launch an assault, अब वहाँ पे जो गरीब थे, जो beggars थे, भिखारी थे, वो भी वहाँ इकट्ठे होने लगे। If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. अब वो कह रहा है कि अगर बच्चों को भी इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त होती तो उस दिन मैं भी इलेक्ट होने के काबिल हो जाता, असेंबली में इलेक्शन के काबिल बन जाता। बिकॉज वन लिटल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वाइल्डिंग हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। अब वो क्या कह रहा है कि एक छोटा सा सिग्नल उसे मिला, ठीक है, किस चीज़ का, कि उसने इतनी सारी जलेबी जो बची हुई थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन वहाँ पे बच्चों की जो मारामारी थी वो इतनी बढ़ गई कि उसने दो और रुपए की जलेबी खरीद ली। ही हैज़ 4 रुपीज़, उसने पहले ऑलरेडी 2 रुपीज़ की जलेबी खरीद ली, एंड नाउ एट लास्ट He bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. उसके पास जो 2 remaining rupees बचे थे, भीड़ को देखते हुए उसने वो 2 रुपये की भी जलेबी खरीद ली। Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as if I had not ever seen the hint of jalebi. ठीक है, अब वो कहता है कि मैंने वहाँ पब्लिक टैप से हाथ धोए और फटाफट से एक शरीफ बच्चे की तरह, एक शरीफ इंसान सा मुंह बना करके मैं घर पे वापस आ गया और ऐसे बैठ गया जैसे कि मेरा तो कोई रिलेशन है ही नहीं जलेबी के साथ, ठीक है। विथ एवरी ब्रीथ केम अ बर्प, लेकिन जैसे ही मैं सांस ले रहा था, विथ एवरी ब्रीथ केम ए बर्प, मतलब जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो डकार आना, तो जैसे ही वो सांस ले रहा था उसके साथ एक डकार आ रही थी। एंड विद एवरी बर्थ द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी और टू द फियर वॉज किलिंग मी, और अंदर ही अंदर उसे ये डर खा रहा था कि कहीं इस बर्फ के साथ कोई ना कोई जलेबी बाहर ना आ जाए। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, If I had not eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. वो कहता है रात के समय मुझे अपना डिनर भी लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं डिनर खाने से मना करता तो मुझे इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ता कि मुझे डिनर क्यों नहीं खाना। And if I have pretended illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor after feeling my pulse had declared Munna has devoured a mound of jalebis,
आई वुड सिंपली डाई। वो कहता है कि अगर मैं खाने से मना करता तो मुझे इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ता। अगर मैं कहता कि मैं बीमार हूँ इस वजह से खाना नहीं खा रहा, तो डॉक्टर मुझे आता और मुझे नोटिस करता और फिर डॉक्टर मेरी पल्स देख के ये बात डिक्लेयर कर देता कि मुन्ना ने जो है बहुत सारी जलेबीज खा ली हैं। और जब वो ये बात बताएगा तो आई वुड सिंपली डाई। अगर उसने ऐसा कह दिया तो मैं तो मर जाऊँगा। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले क्वाइल्ड अप लाइक ए जलेबी सफरिंग फॉर स्टमक एके। अब बोलता है इस चीज़ का रिजल्ट क्या हुआ कि पूरी रात मैं क्वाइल होके पड़ा रहा, क्वाइल होके लेटा रहा, सफरिंग फ्रॉम ए स्टमक एक, और रात के टाइम मुझे पेट में दर्द हो गया, राइट। थैंक गॉड आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। अब वो कह रहा है कि अच्छा हुआ कि 4 रुपये की जलेबी मैंने खुद नहीं खाई। अदरवाइज एज दे से वैन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर शावर्स फ्रॉम देयर माउथ्स बट आई वुड बी फर्स्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड विद हुज एवरी वर्ड ए क्रिस्प फ्राइड जलेबी वुड कम आउट। वो कहता है कि पहले ये कहा जाता था कि जब कोई बच्चा बोलता है तो उसके मुँह से फूल झड़ते हैं, तो इसी के बजाय अगर मैं कुछ भी कहता या फिर अगर मैं 4 रुपये की जलेबी खुद खा लेता तो क्या होता, जब भी मैं कोई वर्ड बोलता तो उसमें से क्रिस्पी फ्राइड जलेबी बाहर आ जाती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक दे हैव डाइजेशन मशीन्स माई मशीन टू कैप्ट वर्किंग नाइट थ्रू द नाइट इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक ए वर्चुअल स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड्स आई हेडेड फॉर स्कूल आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस माउथ स्कॉलरशिप। अब वो कहता है कि बच्चों का जो स्टमक होता है वो स्टमक नहीं है बल्कि इट इज़ ए टाइप ऑफ डाइजेशन मशीन। बच्चे अगर ज़्यादा भी खा लेते हैं तो वो ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि वो पूरा दिन खेलते रहते हैं। तो इसी तरीके से पूरी रात जो डाइजेशन मशीन थी उसकी, उसने पूरी रात काम किया। मॉर्निंग के टाइम जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक ए वर्चुअल स्टूडेंट विद चॉक एंड स्लेट इन हैंड आई हेडेड फॉर स्कूल। वो कहता है बाकी दिनों की तरह मैं सुबह उठा और मुंह धो के अपनी चॉक और स्लेट लेके एक वर्चुअल स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह मैं अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप दैट डे। मुझे इस बात का पता था कि मुझे प्रीवियस मंथ की स्कॉलरशिप उस दिन मिल जाएगी। एंड वंस आई हैड पे द फीस विद दैट अमाउंट द जलेबी वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। और जाने के बाद जब उस स्कॉलरशिप से मैं अपनी फीस भर दूंगा तो पूरी की पूरी जलेबी जो थी वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी। बट व्हेन आई गो टू स्कूल आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में गया तो वहाँ जाते ही मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप इस महीने मिलने वाली थी वो अगले महीने मिलेगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन। अब मेरा जो सिर है वो चक्कर खाना शुरू हो गया। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फिट। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने सिर के बल खड़ा हूँ और मुझे अपने पैर नहीं मिल रहे हैं। अगेन इवन इफ आई ट्राइड मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस। अब मास्टर गुलाम मोहम्मद ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि जो फीस है वो कब ली जाएगी, इन द रिसेस टाइम। व्हेन द रिसेस बेल रिंग आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल। अब जैसे ही रिसेस की बेल बजी तो मैंने अपना बैग कंधों पे टांगा एंड लेफ्ट द स्कूल और मैं स्कूल से बाहर चला गया एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग ऑन एंड ऑन। ठीक है, और मैं जैसे मेरी नाक चल रही थी
नाक बह रही थी वैसे ही मैं चलता गया. इफ नो माउंटेन और ओशन ब्लॉक माई पाथ आई वुड हैव कैप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड. यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर कोई माउंटेन, अगर कोई ओशन मेरे रास्ते को ब्लॉक ना करे तो फिर आई वुड हैव कैप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड. मैं वहाँ तक चलता जाऊँगा जहाँ तक अर्थ जो है वो एंड होती है. द स्काई बिगेन एंड वंस आई गॉट देयर आई वुड से टू अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस सेव मी. अब जैसे ही वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो भगवान से कहता है, अल्लाह मियाँ से कहता है कि सिर्फ इस बार मुझे सेव कर लो. ठीक है. ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट. वो भगवान से प्रे करता है कि हे भगवान, हे अल्लाह मियाँ, तुम किसी फरिश्ते को यहाँ पे भेजो जो मेरी पॉकेट में 4 रुपीज़ ड्रॉप करके चला जाए. आई प्रोमिस आई विल यूज दैम ओनली टू पे माई फीस. और मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ कि ये इन्हें मैं कब यूज़ करूँगा, अपनी पॉकेट मनी को कब यूज़ करूँगा स्कूल फीस पे करने के लिए. आई कुडेंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर कंबेलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन. अब वो कहता है कि मैं उस पॉइंट पे तो नहीं पहुंचा जहाँ पे अर्थ या जो अर्थ थी वो एंड हो रही थी, लेकिन डेफिनेटली मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पे कंबेलपुर स्टेशन शुरू हो रहा था. एल्डर हैज ऑल्सो वॉर्न मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी. कहते हैं कि एल्डर्स ने, बड़ों ने भी मुझे ये वॉर्न कर रखा था, ठीक है, कि कभी भी स्वीट मत खाओ अपनी फीस के पैसों से. हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे. और ये इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग से उस दिन कैसे निकल गई थी, आई डोंट नो. अब वो ये सोच रहा है कि पता नहीं ये जो इंस्ट्रक्शंस थी बड़ों की, ये उस दिन मेरे दिमाग से बाहर कैसे चली गई. Now let's come to the third part. There was a shade giving tree besides the railway track. अब रेलवे ट्रैक के साइड में, ठीक है, एक शेड गिविंग ट्री था, एक बहुत बड़ा पेड़ था छाया देने वाला. I sat under it and wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me in this world. और वो उस पेड़ के नीचे बैठ के ये सोच रहा है कि मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ, कितना अनलकी हूँ, और मेरे जैसा अनलकी बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा. When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. वो कहता है कि जब पहले क्वाइन ने मुझे बोलना स्टार्ट किया था, अगर मैं तभी उन्हें पॉकेट में रोक लेता तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती, बल्कि सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती. ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी. कहता है कि मैंने ये सोचा कि फीस मनी से जलेबी खा लूँ और फिर स्कॉलरशिप मनी से फीस भर दूँगा. आई थॉट दैट 2 and 2 added up to 4. ठीक है, वो कहता है मैंने सोचा 2 और 2 मिलके 4 हो जाते हैं एंड कुड नेवर बी 5. उस समय मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि 2 और 2 मिलके 4 होते हैं ना कि 5 होते हैं. हाउ वॉज आई नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल. अब वो सोचता है कि कभी कभी हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि ये 5 बन जाएंगे. हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप मनी द नेक्स्ट मंथ. वो कहता है कि क्या मुझे अगर ये पता होता कि स्कॉलरशिप मनी जो है अगले महीने मिलेगी, आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ. वो कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि जलेबी जो है, सॉरी, जो स्कूल फीस है वो नेक्स्ट मंथ मिलेगी, तो मैं जलेबी खाने का प्रोग्राम अपना जो है वो क्या कर देता, पोस्टपोन कर देता.
Now for the crime of eating a few jalebis, for the first time in life, I was absent from school. वो कह रहा है कि एक बार ये जलेबी खाने का क्राइम करने के लिए मुझे अपने स्कूल से एब्सेंट होना पड़ रहा है. एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री. क्राउचिंग मीन्स सिटिंग. ठीक है, स्कूल से एब्सेंट होकर मुझे एक पेड़ की छाया में नीचे बैठना पड़ रहा है छुप के. सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइम. उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बहुत ज़ोर से रोऊं. शेडिंग वर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिर्फ. अब मेरी आंखों से आंसू तो नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ से क्या आ रहे थे? जलेबी सिर्फ के ड्रॉप्स, जलेबी की जो चाशनी थी उसके टपके टपक रहे थे. फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वैन टू द फीस. अब जलेबी से मेरे जो थॉट्स थे वो कहाँ चले गए? फीस पे. एंड फ्रॉम द फीस टू मिस्टर गुलाम मोहम्मद. अब फीस की बात आते ही उसके दिमाग में अपने टीचर गुलाम मोहम्मद की चेहरा या उसकी इमेज आ गई. ठीक है. एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड. और उसकी जो पनिशमेंट थी उससे हटके, ठीक है, मुझे क्या याद आए? आई थॉट ऑफ गॉड. उसको भगवान की याद आई. आई क्लोज माई आईज एंड बिगेन टू प्रे. अब मैंने क्या करना शुरू किया? अपनी आंखें बंद की और अल्लाह मियाँ से प्रे करना स्टार्ट किया. अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय. आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज. वो अब वो अल्लाह मियाँ से प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ. और उसने अपने मन ही मन में पूरी की पूरी नमाज जो है वो पढ़ दी. आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हर्ट. और वो कह रहा है कि मुझे लास्ट के जो 10 सूरत हैं कुरान के वो बाय हर्ट याद हैं. इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयतल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ. ये जो सारे नाम हैं, ये सारे नाम कुरान बुक से रिलेटेड है. ठीक है, आगे देखिए. द नीड ऑफ योर डिवोटीज सर्वेंट इज ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विथ. अब मुझे क्या चाहिए? मैं आपका सर्वेंट बन के रहूँगा, मैं आपका गुलाम बन के रहूँगा, और उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? ओनली द फीस मनी. वो फीस मनी चाहिए जिससे मैंने जलेबीज खा ली. So all right, I admit I made a mistake. I did not eat them all by myself, though I fed them to a whole lot of children too. But yes, it was a mistake. अब वो कहता है कि हाँ, मैं admit कर रहा हूँ कि मैंने गलती की थी, लेकिन मैंने वो सारी की सारी जलेबी by myself नहीं खाई. मैंने अकेले नहीं खाई वो, बल्कि मैंने बाकी सारे बच्चों में भी वो जलेबी बांटी थी. If I would known the scholarship money would be given next month, वो कहता है कि अगर मुझे इस बात का पता होता कि scholarship money जो है वो अगले महीने मिलेगी, I would neither have eaten them nor fed them to others. मैं ना ही तो खुद जलेबी खाता और ना ही वो दूसरे बच्चों में बांटता. Now you do one thing, just for put 4 rupees in my bag. कहता है कि तुम अब एक काम करो, तुम बस मेरे बैग में 4 रुपए डाल दो. इफ़ देयर्स अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ इट विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू. आई प्रोमिस आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन. वो कहता है कि अगर 4 रुपए से एक भी रुपया ज़्यादा हुआ तो मैं नहीं लूँगा. ठीक है, और वो ये भी प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी फीस मनी से कभी भी जलेबी नहीं खाऊंगा. देन लेट ए थीव्स पनिशमेंट टू माई पनिशमेंट. सो अल्लाह मियाँ जस्ट वंस हेल्प मी आउट. वो कहता है कि चोर जब अपनी पनिशमेंट खुद डिसाइड कर ले, चोर जब अपना गुनाह खुद कबूल कर ले, तो उसे पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए. सो इसलिए अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, इसी से एक बार आप मेरी मदद कर दो. देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनी थिंग इन योर ट्रेजरी. वो कहता है कि
ये जो है ये पनिशमेंट आप मुझे मत दो. सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी. इवन अवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ बिग ऑफिसर, वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़. वो कहते हैं कि क्या आप मुझे इतनी सी मदद नहीं कर सकते, मैं आपसे सिर्फ 4 रुपये मांग रहा हूँ. आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर नवाज रिवाइटेड 10 सूरज आयत अल कुर्सी कलाम तायब इन फैक्ट एवरी थिंग दैट आई रिमेम्बर्ड देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग चू. अब वो कहता है कि चू बोल के वो आगे भागता है और कहता है कि मैं वहाँ जाकर आपको ये सारी चीज़ें दे दूँगा. Forget 4 rupees. There were not even 4 paise in my bag. Just a few textbook and notebooks, one pencil, one sharpener and one card. उसके बैग में कुछ भी नहीं मिलता बल्कि सिर्फ 1 pencil, 1 sharpener और 1 card मिलता है. My mamu has sent me last ID. I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their वे टू होम. अब वो कहता है कि छुट्टी होने वाली है और सभी बच्चे अपने घर के रास्ते में होंगे. आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू बाजार एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग. और वो ये स्कूल बेल बजने की इंतज़ार कर रहा होता है. आई डिडंट इवन रियलाइज आई वॉज स्टैंडिंग नियर जलेबी वाला शॉप. सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वेट अ रुपी वर्थ, डोंट वॉन्ट जलेबीज टूडे. अब क्या होता है, जलेबी वाले के पास खड़ा होता है और जलेबी वाला उससे कहता है, क्यों भाई आज तुम्हें जलेबी नहीं चाहिए, क्या तुम्हें 1 रुपये की जलेबी तोलूँ. डोंट वॉन्ट जलेबीज टूडे. आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट योर जलेबीज टूडे बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर and eat that instead, but I was not feeling too well that day. लेकिन आज मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था. The next day I did the same thing. I got dressed and left home, went up to the school gate and then turned off to the railway station. अगले दिन भी उसने सेम चीज़ की, ड्रेस पहनी और अपना घर छोड़ के स्कूल के गेट से ही टर्न हो गया और रेलवे स्टेशन पर चला गया. Under the same tree, I sat and began to say the same prayers. वो फिर से कह रहा है कि मैं उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और वहाँ पे सेम प्रेयर दोबारा करने लगा. अल्लाह मियाँ, at least give it to me today. Today is the second day. Then I said, all right, come, let's play a game. I will go from here to that signal. वो कहता है कि आज तुम इस सिग्नल से जब मैं वापस आऊँ तो तुम इस रॉक के नीचे 4 रुपये रख देना. वट फन इट विल बी इफ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़. वो कहता है कि कितना मज़ा आएगा जब मैं वापस आऊँगा और मुझे इसके नीचे 4 रुपये मिलेंगे. सो आर यू रेडी, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सिग्नल 1, 2, 3. अब वो एक खेल करता है और 1, 2, 3 करके उस सिग्नल की तरफ जाता है. आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक. वो कहता है कि मैं हंसते हुए वापस आया लेकिन अब भी मुझ में इतना करेज नहीं था कि मैं वो रॉक उठा करके पैसे देखूँ. वट इफ द क्वाइंस वर नॉट देयर, क्या होगा अगर ये क्वाइंस यहाँ पर नहीं मिले. फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्ला व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक दिस बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप एंड कर्लिंग ट्विस्टिंग रिंगल टुवर्ड्स मी. I screamed and ran away once again touched the signal. वो कहता है कि मैं भाग के वापस आया लेकिन अभी भी मुझे वो चीज़ें दिखाई नहीं दी. Well, whatever happened, happened. But up to the 7th or 8th standard, I kept wondering. अब वो कह रहा है कि जो हो गया सो हो गया. अगर if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, अगर अल्लाह मियाँ मुझे उस दिन वो 4 रुपये दे देते, वट हार्म कुड इट इफ पॉसिबली कॉज्ड एनीवन. ठीक है, अगर उस दिन अल्लाह मियाँ मुझे वो 4 रुपये दे देते तो मुझे लाइफ का ये लेसन, ये कंक्लूजन कैसे मिलता कि कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचो.
ठीक है, दिस इज द शॉर्ट चैप्टर जलेबीज। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू।